के सरकारी शिक्षक दिनेश जाटव ने अनूठी मिसाल पेश की है, जहां उन्होंने गरीबों की सेवा किए जाने के साथ ही होने हर रोज चाय का इंतजाम कराया। वहीं अब उन्होंने घुमंतू जाति के कमज़ोर लोगों के लिए भी मदद को हाथ बढ़ाया है। इसी के चलते उन्होंने घुमंतू जाति की लाडली बेटी के लिए स्कूल जाने साइकिल की सुविधा उपलब्ध कराई है। वहीं वह स्कूल में बच्चों को पहुंचाने के लिए प्रेरित करते हैं, किसी के लिए उन्हें पढ़ाई की सामग्री भी निःशुल्क वितरित करते आ रहे हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम दिनेश जाटव है, शिक्षक हूँ मैं गवर्नमेंट, और निःशुल्क चाय पिलवाता हूँ मैं। लगभग श्री रेस्टोरेंट पे लगभग 25,000 लोगों को चाय पिलवाती हूँ। और आज आपने क्या किया? आज मैंने, क्योंकि अजय भाई साहब जी हैं TIT कॉम्प्लेक्स में, जिनकी दुकान है श्री रेस्टोरेंट, उन्होंने बताया कि आ रहे गुमंतू समाज की बेटी है, छोटी सी नाम है चरैया आवाज का। तो उसके पिताजी कह रहे हैं कि भाई साहब साइकिल अगर उपलब्ध हो जाए तो फिर मोड़ी स्कूल जा लगेगी हमारी। तो मैंने कहा कि मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार, क्षमता के अनुसार मैं साइकिल उपलब्ध करवाऊंगा, और जिनके जितने भी बेटा बेटी हैं सब, इन सब के लिए स्कूल में पढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। आज मैंने इन्हें कॉपी, पहाड़े, पेंसिल, रजिस्टर, लीड, ये सब मैंने इनको दिए ताकि ये आगे बढ़ें। मेरी शुरू से ये भावना रही है कि अंतर्योगी के अंतिम व्यक्ति तक भी ये लाभ पहुँचे सरकार का भी। और चूँकि ये मेरा निजी पैसे से ही मैंने दिया है, मैं ये चाहता हूँ कि ये बच्ची भी, इनके बेटा बेटी भी सब आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश जाटव है, शासकीय शिक्षक, और मैं TIT कॉम्प्लेक्स में निःशुल्क चाय उपलब्ध करवाता हूँ। क्या उपलब्ध करवाते हैं? निःशुल्क चाय पिलवाता हूँ माह की प्रत्येक 5 तारीख को। लगभग 25,000 आमजन को मैं चाय पिलवा चुका हूँ अभी तक।